या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। औरत को अपनी आईब्रो के बाल के ऊपर ब्लीच करना कैसा है, यानी आईब्रो के बाल पे भी ब्लीच होती है, शायद ये भी 16 सिंगार के अंदर होगा। तो इससे क्या है कि वो आईब्रो थोड़ी पतली लगने लगती है, तो आईब्रो बनवा नहीं सकती, तो उसका इन्होंने एक ऑप्शनल जो है वो निकाल लिया है औरतों ने कि आईब्रो बनवा नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करा जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि जिसके जरिए से आईब्रो पतली नजर आए। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि आईब्रो के ऊपर ब्लीच की जाती है, ब्लीच से जो है वो पतली नजर आती है, तो उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। बज़ाहिर तो इसके अंदर शरई एतबार से कोई खराबी नजर नहीं आती कि ब्लीच जो है वो चेहरे पर अगर करना जायज़ है तो फिर वो आईब्रो वगैरह पे कर सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे नुकसान, क्योंकि इसके अंदर जो इसका केमिकल होता है जिसको आप पाउडर बोलते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होता है और आईब्रो आँख के बिल्कुल करीब है और ये जो है वो हसास हिस्सा है, नाजुक हिस्सा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसीलिए इसके ऊपर इस तरीके का केमिकल लगाना या इस्तेमाल करना ये कुछ वक्त तक आर्जी तौर से जो खूबसूरत लग सकता है चेहरा, लेकिन बाद में इसके नुकसान भी होते हैं कि जब फिर बाद में काले बाल नीचे से निकलेंगे तो वो डबल डबल तरीके के हो जाएंगे, तो एक नई यानी उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी फिर बाद में। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस तरीके के चेहरे के ऊपर ना किया जाए कि जिससे बाद में शुरू में तो वो कुछ दिन अच्छी लगे, बाद में फिर दोबारा बंदर ये लगने लगे कि अजीब से भूरे बाल और काले बाल मिक्स होके निकलेंगे, तो ये ठीक नहीं है, यानी इंसानी नुक्ते नज़र ठीक नहीं है। दूसरा ये कि सेंसिटिव स्किन भी होती है, वहाँ पर केमिकल लगाना के आँख के करीब में, तो इससे बालों के झड़ने का भी फिर अंदेशा हो जाता है, क्योंकि ये ब्लीच वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना ये सेहत के स्किन की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी कदार किसी मौके पे साल दो साल की बात अलग है, लेकिन बाज को इसकी बाद में हैबिट हो जाती है, क्योंकि जब वो डबल बाल नज़र आते हैं डबल कलर के, तो फिर एक मजबूरी बन जाती है कि यार फंक्शन के ऊपर ब्लीच करना, फिर यही मजबूरी बालों के जो है ना वो झड़ने की वजह बन जाती है। तो अगर आईब्रो के बाल बिल्कुल धीरे धीरे उतरने लगे, साफ हो गए, तो इसका वापस आना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। तो इस बात का ख्याल रखें, जो नेचुरल है उसको वैसे ही रहने दें, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर आईब्रो पे या आंखों के ऊपर वाले बालों के ऊपर विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, एलोवेरा वगैरह आता है, जैतून का तेल आता है, उसकी मालिश करें, उसके मसाज करें, जिससे बाल मजबूत भी हो और स्किन भी कोई उसमें नुकसान ना हो, लॉस ना हो। नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है ब्लीच के मुकाबले, अगरचे कभी किसी मौके पर औरतें इस्तेमाल करना चाहे ब्लीच तो इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन इसकी जो खराबियाँ जो बाद में पेश आएंगी वो मैंने आपको बता दी। एक सवाल और था कि बगैर नमाज के जन्नत में नहीं जा सकता कोई, कैसा कहना ठीक है, लेकिन शरई एतबार से तो ऐसा कहना ठीक है कि बगैर नमाज के जन्नत में नहीं जा सकता, तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। मसलन ये है कि जो शरीयत ने क्राइटेरिया बयान किया है, जो एक शरीयत ने दायरे बयान किए हैं जन्नत में जाने के, रूल रेगुलेशन बयान किए, उसके अंदर नमाज सबसे अहम फ़र्ज रखी गई है, तो जाहिर है कि उसके बगैर शरई एतबार से कहा जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब रहा कि हिकमत के एतबार से, तो जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको जन्नत में भेजना चाहे बगैर नमाज के भी भेज सकता है, और शरई एतबार से भी जन्नत में जाना पॉसिबल है, और वो लेकिन फिलहाल नहीं है कि जैसे सहाबा इकराम का दौर है कि किसी ने हुजूर की जियारत की, ईमान लाया और इंतकाल कर गया, तो उसने नमाज भी नहीं पढ़ी, हज ज़कात भी नहीं की, लेकिन ईमान लाया और हुजूर की जियारत करने की वजह से, उनकी कुर्बत पाने की वजह से सहाबी बन गया और सहाबी होने की बिना पर जन्नत में चला गया, तो इस एतबार से भी जो है वो जन्नत में बंदा बगैर नमाज के जा सकता है। और अगर मौजूदा दौर की बात करें कि बगैर नमाज के जन्नत में नहीं जा सकता, तो मतलब बआसानी नहीं जा सकता, अपने अजाब को भुगत कर जाएगा, और जन्नत में जाने की खुशी जितनी होती है उससे ज़्यादा खौफ जहन्नम में जाने उसके अजाब का होना चाहिए, कि अजाब जो है वो जहन्नम का बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी से भी, चाहे अजाब वो सर्दी का हो या फिर गर्मी का हो, लिहाजा उससे पनाह मांगनी चाहिए और उससे बचने की जो जो तदाबीर हो उनको अपनाना चाहिए। नमाज उसी में एक अहम है कि जो जहन्नम की आग से बचाएगी, तो उसकी पाबंदी करनी चाहिए। तो शरई एतबार से कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बगैर नमाज के जन्नत में नहीं जा सकता, और बाकी रही हिकमत के एतबार से, तो अल्लाह तबारक व ताला बगैर नमाजी को भी जन्नत में डालना चाहे डाल सकता है, और नमाज पढ़ने वाले को वो चाहे जहन्नम में डालना तो भी डाल सकता है, वो उसका अपना मामला है, तो उसके अंदर किसी का अमल दखल नहीं है कि नमाज की बिना पर जन्नत में जाएगा। हाँ, वादा ज़रूर है कि नमाजी परहेजगार जन्नत में जाएंगे, और जो अल्लाह तबारक व ताला के लिए नमाज पढ़ते हैं, परहेजगार इख्तियार करते हैं, यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक ही करेगा,
तो उनको जो है आसानियां बरती जाएंगी उनके लिए, और उनके लिए जन्नत के रास्ते आसान होंगे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा,